चैप्टर से याद होने चाहिए कि किस चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर को पढ़ना पड़ा और ये क्रमिक्रम ध्यान रहेगा तो ये एग्जामिनेशन हॉल में आपके नॉलेज को बहुत बढ़ा देता है। अब जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में आप शुरुआत करते हैं पाषाण काल से कि कैसे स्टोन एज के दौरान अलग अलग स्टोन एज आए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और नव पाषाण काल में आकर के मानव ने बस्ती बना करके जीवन शुरू किया और वहाँ से एक व्यवस्थित इतिहास का अध्ययन हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। और फिर हम लोग शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसके बाद आता है वैदिक काल और वैदिक काल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। फिर इस वैदिक काल के बाद एक काल आता है जिसको हम लोग महाजनपद काल के नाम से जानते हैं और यह छठी शताब्दी BC के समय का यह काल है और यहाँ से एक व्यवस्थित राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है, मगध का उदय होता है, हर्यक वंश आते हैं। फिर आप पढ़ेंगे उसके बाद कि हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आते हैं, नंद वंश आते हैं, तो ये यहीं से हम लोग पढ़ना है महाजनपद काल से। इसके बाद एक धार्मिक आंदोलन का दौर आता है इसी समय जहाँ हम लोग को पढ़ना है स्पेशली बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस चैप्टर से बड़ी संख्या में ऑब्जेक्टिव अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ लेना, समझ लेना, दोनों को कंपैरिजन करके समझ लेना ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और उसको मैं इन चैप्टर्स को बताने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हिस्ट्री को याद रखा जाए। चलिए दोस्तों पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ प्राचीन भारत में हम लोग धार्मिक आंदोलन को पढ़ते हैं। फिर आता है उसका मौर्यकाल, मौर्य काल में आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, अशोक का इतिहास पढ़ना है। फिर इसके बाद के काल को हम लोग कहते हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद हम लोग स्पेशली कुषाण वगैरह के संबंध में जो पढ़ाई करते हैं वो मौर्योत्तर काल का हिस्सा आता है। फिर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है गुप्त काल और इसके संबंध में तो आप लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, समुद्रगुप्त के संबंध में, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और गुप्त के बाद जो काल आता है उसको हम लोग कहते हैं गुप्तोत्तर काल। इस गुप्तोत्तर काल में स्पेशली हर्षवर्धन इसके संबंध में पढ़ना है। और लास्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल में हमें मिडाइवल हिस्ट्री आने से पहले की कुछ घटनाएं पढ़नी है, जैसे हम इसमें पढ़ सकते हैं राजपूतों का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, ये विशेष रूप से हम लोग को पूर्व मध्य काल में पढ़ना है। तो ये एक क्रमिक अध्ययन अगर आप करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से इसको पढ़ते हैं तो आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। दोस्तों अगर किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशली हिस्ट्री में अगर किसी के समझ को चेक करना है तो सबसे पहले उससे आप ये सीख लें कि उनको क्या क्रमिक रूप से अपने पाठ्यक्रम की जानकारी है कि नहीं। अगर उसकी जानकारी है तो इसका मतलब है कि उसकी बेसिक्स ठीक है और जब तक बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तब तक आप इसे रट नहीं सकते हैं। यहाँ से रटने का विषय नहीं, कुछ हद तक समझना है और कुछ पॉइंट्स को रखना है। पूरे के पूरे इतिहास को, इतने बड़े सिलेबस को, 8 सब्जेक्ट में सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का है, इतने बड़े सिलेबस को रटा नहीं जा सकता है, इसको बिल्कुल गांठ बांधनी है। तो क्या होता है,